नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंड। आज हम देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं के मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। और सबसे पहले बात करेंगे फ्लोर टेस्ट में पास, महागठबंधन को जवाब। आखिर आखिर बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया। इसके साथ जेडीयू बीजेपी सरकार के बने रहने का रास्ता भी साफ हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में अपनी सरकार के लिए विश्वास मत पेश किया। इसमें एनडीए के पक्ष में 129 वोट पड़े। वहीं विपक्षी पार्टियों ने वर्कआउट कर दिया और एक भी वोट विपक्ष में नहीं पड़े। बता दें कि बहुमत का आंकड़ा 122 था। यही नहीं, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के पद से हटाने का भी अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 125 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 112 वोट पड़े। आरजेडी की तरफ से क्रॉस वोटिंग की गई। वहीं बीजेपी और जेडीयू के कुछ विधायक वोटिंग में शामिल नहीं हुए। देखिए इस रिपोर्ट में। नीतीश सरकार फ्लोर टेस्ट में पास, विपक्ष का वॉकआउट, सत्ता पक्ष की मांग पर हुई वोटिंग, समर्थन में पड़े 129 वोट। सीएम ने याद दिलाया जंगल राज, स्पीकर की कुर्सी जाते ही बिगड़ा आरजेडी का खेल। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। बता दें कि वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। बहरहाल सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। आपको बता दें कि आरजेडी ने नीतीश सरकार को गिराने के लिए सत्ता पक्ष के 8 विधायकों के साथ प्लानिंग की थी। इनमें जेडीयू के 5 विधायक और बीजेपी के 3 विधायक थे। जेडीयू के 5 विधायकों में बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय शामिल थे। वहीं बीजेपी के विधायकों में रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्रीलाल यादव थे। विपक्ष ने नीतीश कुमार की सरकार को गिराने के लिए लंबा खेला खेला। हालांकि मजबूत रणनीति के बल पर एनडीए ने सारी कोशिशें नाकाम कर दी और ये सब हुआ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाकर। हुआ ये कि आरजेडी ने एनडीए के 8 विधायकों को साथ लेकर नीतीश सरकार को गिराने का खेल खेलना चाहा। इसमें जेडीयू के 5 और बीजेपी के 3 विधायक थे, लेकिन इसकी भनक एनडीए को पहले ही लग गई और फिर सरकार को बचाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। बता दें कि रविवार रात को ही एनडीए भाप गया था कि उनके साथ खेला होने वाला है। इस वजह से एनडीए ने सरकार बचाने का ऑपरेशन शुरू किया। जेडीयू के विधायकों डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव को सुबह तक ढूंढ निकाला गया। दरअसल आरजेडी की तैयारी थी कि सत्ता पक्ष के विधायकों को सदन में अनुपस्थित कर पहले अपने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी बचाई जाए। इसके बाद स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों को स्पीकर से अलग गुट की मान्यता दिलाई जाए। इसके बाद फ्लोर टेस्ट में एनडीए सरकार को पटखनी दी जाए। विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो सत्ता पक्ष के 5 विधायक कम थे। इस पर एनडीए ने आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में शामिल कर लिया और वोटिंग में 112 के मुकाबले 125 वोट से अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई। ऐसे में स्पीकर की कुर्सी जाते ही आरजेडी का खेल बिगड़ गया। खेल बिगड़ते ही सदन से नदारद सत्ता पक्ष के 5 में से 4 विधायक विधानसभा पहुंच गए। इनमें बीजेपी के 3 रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्रीलाल यादव और जेडीयू की बीमा भारती भी सदन पहुंची। केवल जेडीयू के विधायक दिलीप राय सदन से नदारद रहे। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।